जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बदनवानी, भत्ताखोरी और धोखाधही के इल्जाम में गिरफ्तार किया। सरकारी जराये के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने दो दिन पहले श्रीनगर में DYSP शेख आदिल मुश्ताक की रिहायशगाह की तलाशी ली थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो घर से कूद गया था। एक लैपटॉप की तलाशी के दौरान उसकी रिहायशगाह से कुछ मुजरिमाना दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात वगैरह बरामद हुए। इस बदनवान ऑफिसर के खिलाफ नौगाम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और इसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। जराये ने बताया कि SP साउथ की सरबराही में एक SIT तश्कील दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस केस के मुमकिन संगीन असरात को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात करेंगे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश किया। बिल को पेश करते हुए उन्होंने कहा, यह बिल खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए है और इससे माशरे में बराबरी आएगी। खवातीन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पेश किया गया, इस बिल से माशरे में बराबरी आएगी। वजीर आजम ने खवातीन को हकूक दिए, खवातीन को बाइख्तियार बनाने का बिल खवातीन के लिए समाजी इंसाफ। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमन डेवलपमेंट से वुमन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। ये सब श्रृंखला के माध्यम से, ये श्रृंखला आज जो मैं बिल लेके आया हूं ये उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है। मैं एक कविता के माध्यम से मेरी बात को, आज अभी की बात को, चर्चा जो होने वाली है उसको समाप्त करना चाहूंगा। सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी।